वो हमारी ये काले घोड़े के नाल की अंगूठी जरूर पहने, जिसकी कीमत है केवल 10 रुपए। कर रहे भाई, प्रमोट कर रहे अपने ब्रांड को, भारी छूट दिया जा रहा है भाई, भारी छूट दिया जा रहा है। तो आप मिलता है यहाँ पे, क्या कॉस्ट है भाई, एक स्टिक का कितना कॉस्ट है? तो देख रहे हो अभी लोग स्टॉल लगा रहे, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे सब लोग और लोग आते जाएंगे यहाँ पे। फोटो वीडियो खींचा सकते हो आप यहाँ पे आके, झूला रखा है यहाँ पे, झूले पे बैठ के बाइक पे बैठा के गिटार विटार है यहाँ पे, टाइगर है, टाइगर के साथ भी फोटो खींचा सकते हो आप। क्या लेते हो कौश भाई? 30 रुपीज एक, यही साइज मिलता ना? ओके, भाई स्पीकर पे अनाउंस कर रहे, भाई प्रमोट कर रहे अपने ब्रांड को, भारी छूट दिया जा रहा है भाई, भारी छूट दिया जा रहा है आपको। मेले में जितना छूट लेना उतना छूट ले सकते हो, यहाँ पे आपको ए टू जेड मिलने वाली दुकान आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी राइड है बट सब राइड खाली है, ज्यादा पब्लिक नहीं है इसके लिए। और मैं जब पलसाना मेले में गया था उस टाइम पे मैंने मिस कर दिया था सब राइड, बट यहाँ पर भी सब राइड में तो नहीं बैठने वाला हूँ, वो तो जॉइंट व्हील है बस उसमें हम लोग बैठेंगे बस, बाकी किसमें भी नहीं बैठने वालों में। और राइट ज्यादातर है ना जो मतलब रात के टाइम में आपको मिलेगा, दिन में? हाँ, दिन में इतना नहीं रहेगा, धूप भी है और लोग निकलते भी नहीं है टाइम पे, लोग आराम से, पहला दिन है ना इसलिए थोड़ा राइट वगैरह कम है अभी, क्या धीरे धीरे हो ही रहा है, लोग आराम से 3-4 बजे के बाद निकलेंगे घूमने के लिए। और 15 दिन है तो कोई टेंशन नहीं, कभी भी आ सकते हो यहाँ से, आपको पूरा व्यू। हाँ यहाँ से पूरा दिख रहा है, बट बीच में मौत तक वो बनी रहा है। यहाँ पर है मौत का कुआ, ये जो देख रहे हो आप लोग ने देखा ही रहेगा ऑफकोर्स मौत का कुआ क्या है, इसके अंदर जो है बाइक और कार जो है चलती है ऐसा राउंड में, फिलहाल चालू नहीं है, बच्चे लोग के लिए भी राइड है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जायंट व्हील में, बाकी तो कोई बैठने वाला नहीं है, सनी भाई बोले मेरे को डर लगता है, वो भी बैठने वाले नहीं है, बट मेरे साथ आ रही है मेरी छोटी सी बहन, सुन नाम से दारू कृति, तो मेरे साथ चल रही है कृति, और एक दूसरी छोटी है वो डर रही है वो भी आने के लिए, चलनी चलो फिर चलते हैं ऊपर और देखते हैं थोड़ा एंजॉय करना, कितने टाइम के बाद बैठ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी आओ, मेरे को भी डर लग रहा है एक्चुअली, कितने टाइम के बाद बैठ रहा हूँ मैं। हाँ सही, धीरे थोड़ी चलावे लोगो, फास्ट चलावे लोगो, कहीं नहीं बेसी रहा, वचवा बेस वच हमारे पास बेसवा नहीं। वाह कहीं नहीं जो वाह कहीं नहीं ना कहीं नहीं था तो आज नाली राम से डरिया करे, स्टार्टिंग में डर लग रहा था बैठने के लिए बट अभी इतना डर नहीं लग रहा है, स्मूथ जा रहा है, ज्यादा फास्ट नहीं, और रुका दिया अभी थोड़ा थोड़ा बीच में रुका दे। Yeah.
अभी मेरी बहन रोने लगी, उसको डर लगने, अभी रुका ना, रुकने बोला, अभी रोने लगे, उसको डर लगने लगा, आओ उभरे उभरे रुके, तो बस बस रुका 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 दो बाल ले ले, बाल पकड़ा, रणवन थोड़ी हो गए, एने केम रुकवा केम, बस एने रुकवा केम, हाँ रुकवा केम, एने भाई रुका दो, भाई भाई यहाँ पे रुका दो, रुका दो रुका दो रुका दो रुका दो, चल बस थैंक यू चल आवी रे रोने लगे, पास हो गया ना, चल चल बस ही चल, मेरी बस ही चल, अब आजू क्या हुआ, उसका पास हो गया ना तो रोने मजा आई भी ना शानू, मजा आई भी नहीं, बैठ के आ गए, 70 रुपीज लिया पर पर्सन, 70 रुपीज टिकट है यहाँ का, बहुत ज्यादा है एक्चुअली, बट एक छोटी बच्ची जो मेरे साथ मेरी बहन थी उसका पैसा नहीं लिया, तो बस अभी एक ही राइड में बैठने वाले, और कोई राइड चालू नहीं क्योंकि पब्लिक ने, तो सब राइड बंद है फिलहाल, यहाँ पे और भी राइड है गाइस बट फिलहाल बंद है, पब्लिक नहीं इसके लिए, क्या बोल रहे हो, गन शूट नहीं करना है, गन शूट भी यहाँ पे गाइस, गन शूट करते थे, क्या कॉस्ट है इसका, 50 का 10 गोली, ऐसा 10 गोली मार सकते हैं 50 में, मैं नहीं 50 रुपया, ये देखो यहाँ पे ऐसा आ जा इधर आके फोटो खींच, इधर आ जा बराबर फोटो आएगा, बान का पजी टेम्पो में आपको पड़े पजी बान है तो अगर आप चिकन के शौकीन हो तो आप चिकन भी खा सकते हो, अरे जो आपको सीख कबाब मिलता है यहाँ पे, क्या कॉस्ट है भाई, एक स्टिक का कितना कॉस्ट है, 60 रुपीज़, ओके तो आप ये स्टिक लोगे एक तो उसका 60 रुपीज़ है, तो आप बैठ के भी खा सकते हो यहाँ पे, और ये जो सारे चिकन के स्टॉल है वो आप थोड़ा सा आगे आओगे मेले से, बाहर आगे थोड़ा सा पीछे साइड है मंदिर के, नज़दीक में नहीं है, बहुत ही लंबा है, तो नज़दीक में रख भी नहीं सकते ऐसा चिकन विकन, यहाँ पे दो तीन जगह पे देख रहे हैं हम लोग, एक्चुअली यहाँ पे नहीं खाने वाले, हमने जहाँ पे हम लोग का टेम्पो पार्क किया है वहाँ पे जाके खाएंगे, चलो सनी भाई तक गर्दी नहीं तो मजा नहीं आ रहा शूट करने को, इतना रात को आ नहीं सकते, क्या कर सकते, जाना है वापस तो इसलिए, यहाँ पे गाइस मोमोज का भी एक स्टॉल है, कभी स्टार्ट है कि शाम को स्टार्ट होगा, अभी गर्दी नहीं इसके लिए अभी बंद है फिलहाल, तो इनका ही है शायद, आपका ही है क्या, अच्छा इनका ही है फिलहाल बंद है, गर्दी नहीं है, शाम को स्टार्ट होगा, लड़ाई झगड़ाई करने को मन करता है वो हमारी ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी जरूर पहने, जिसकी कीमत है केवल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो सोच रहे अभी चले जाए यहाँ से, फिर है कुछ नहीं और देखने लायक यहाँ पे, जितना भी था मैंने दिखा आपको, यहाँ पे एक स्टॉल था काला घोड़ा था और अंकल बैठे थे अंगूठी लेके और ताबीज लेके, बोल रहे थे ये घोड़े के नाल का बनाया था ना अंगूठी, घोड़े के नाल का जो अंगूठी बनाया था, आपके आपके मतलब लाइफ में जो भी परेशानी है, नौकरी, आप, नहीं, मिल नौकरी नहीं मिल रही, आपकी बीवी छोड़ के गई है, आप बीवी से नाराज है, बहुत सारी जितनी भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी अंगूठी पहनोगे, तो मतलब क्या ही स्कैम लगा के रखा है,
अंगूठी पहना हुआ जिनकी सवाल। हाँ, अंगूठी पहनने से इतना कुछ हो जाता है, मैं अभी अपनी 10-10 उंगली में कुछ ना कुछ पहन लेता था। 10 रुपए की थी वो अंगूठी एक्चुअली। हाँ भाई, गर्मी है तो यहाँ पे गन्ने का जूस भी यहाँ पे जोरों में चल रहा है। अच्छा खासा स्पेस है गाइस यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा रहा, थोड़ा जूस भी पी लेते, लस्सी पी लेते, मैंगो जूस पी लेते। ले लो मैंगो, ले लो भाई। सनी भाई ले रहे मैंगो जूस। सनी भाई बताओ पी के कैसा है? एक्चुअली क्या है, लिटरली दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी है और प्लस में धूप भी सर पे है, इसलिए लस्सी या फिर मैंगो जूस पीना बहुत जरूरी है। अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगा। अच्छा है, ठीक ठाक है ना? एवरेज ठीक है, जो मेले में होना चाहिए वैसे वही ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, दो पाइनएप्पल आ गए, देखा तो करी पाइनएप्पल है यहाँ, क्यों ला गए? मस्त है। जाड़ी से क्या क्या प्राइस है इसका? सबका एक ही है, 20 रुपया। तो एक्चुअली जो मैंने वो चिकन दिखाया आपको, जो सीख कबाब बन रहा था वहाँ पे, वो इतना खास नहीं था, सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा था। एक्चुअली मैं वहाँ पे बोला नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े थे जो बेचने के लिए बना रहे थे, वो लोग सुन रहे थे, तो इसके लिए मैंने इतना बोला नहीं। बट इतना खास नहीं था वो। तो आप अगर आते हो यहाँ पे तो मत खाना, सिर्फ हड्डी था उसमें, थोड़ा सा भी मांस नहीं था उसमें खाने के लिए। तो गाइस, मेले में इतना कुछ था नहीं देखने के लिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड गाइस, जाने से पहले सनी भाई से एक और बार मिल लेते। तो थैंक यू सो मच सनी भाई। पहले अपन उधर किधर जा रहे हैं, अपन को इधर जाना है, मेरे चाचा वहाँ पे बैठे हैं। हाँ चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और सनी भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा प्यार देना। एक्चुअली सनी भाई का चैनल था पहले, बट कुछ सीन हो गया उनके साथ, डिलीट हो गया पूरा, उनका पूरा चैनल डिलीट हो गया। उनके 7-8 सब्सक्राइबर्स थे उनके, और 10,000 होने ही वाले थे, बट उनका चैनल के साथ किसने मस्ती किया और वो जो है चैनल डिलीट हो गया। बट शुरू से चालू किया अभी इन्होंने मोटिवेशन के साथ। हाँ, तो थोड़ा सा प्यार दिखाना, इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना। और सनी भाई मेला का वीडियो मेरा भी आ जाएगा कल, आपको कल आ जाएगा, और आज शाम को आज शूट करने आएंगे। मैंने आज कर दिया, 2 दिन के बाद मेरा जो है ये वीडियो आने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले इस मेरे इस चैनल पे, क्योंकि मई मंथ में जो है मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए, पूरे 16 दिन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, आओ जो। देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी समस्या से उलझा हुआ है।